नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुमार। आप देख रहे हैं इसके टेरिस्टन गार्डन टिप। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि टमाटर जो उगाने के बाद ना उसको कैसा केयर करें और क्या क्या डालें जिससे बहुत सारे टमाटर हमें छत पे ही खाने को मिल जाएं। तो दोस्तों टमाटर तो बहुत सारे गार्डनर लोग लगाते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलता है और बहुत आसानी से हो जाने वाला चीज़ भी है। तो टमाटर में जैसे कि आप ग्रो किए हैं और उनको जो सपोर्ट के लिए लकड़ी उकड़ी गाड़ देते हैं, कुछ जगह ऐसा होता है जैसे कि हमारे टावर पार्ट में, उसके बारे में भी आगे वीडियो में बताऊंगा कि टावर पार्ट में अगर लगाए हैं तो उनका देखरेख कैसे करें। तो टमाटर के पौधे तैयार हो गए हैं, टमाटर में फूल आ रहे हैं लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात करूँगा कि किस तरह से आप फूल को फलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों टमाटर सबसे पहली बात, समस्या ये आती है कि टमाटर के पौधे को हम बड़ा कर लेते हैं और फूल भी आने लगते हैं लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, बाकी सारे फूल झड़ भी जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि टमाटर के पौधों में फूल और फल दोनों आने के लिए एक वातावरण चाहिए, एक मौसम चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। अगर सही टेम्परेचर नहीं है तो आपके टमाटर के फूल भी तब भी झड़ते हैं। तो सही टेम्परेचर के लिए कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब तापमान रहेगा तो आपके टमाटर के फूल फल में ज़रूर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं तो जान जाइए कि उसमें कुछ न्यूट्रिशन की कमी है जिसकी वजह से फूलों को फल में कन्वर्ट होने में टाइम लग रहा है। तो सबसे पहले आप उसमें ये खाद इस्तेमाल करें, जैसे कि सरसों की खली, उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना के आप डाल सकते हैं हर 15 दिन पे एक बार, या फिर केले के छिलके को 3 दिन के लिए पानी में भिगो दें और फिर उस पानी को छान के लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपके जो है फूल फल में कन्वर्ट होने लगते हैं। जैसे कि हमारा ये टावर प्लांट है, ये 4 इंच के पाइप में लगाया हुआ पौधे हैं, 4 इंच के पाइप में हमने इसे ग्रो किया है, एक में जो है लगभग 8 पौधे आ गए हैं। तो कम जगह में आप इस तरह से भी गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर जगह की कमी हो गई है तो आप इस तरह से टावर पार्ट में भी पौधे लगा सकते हैं। पिछली वीडियो में इसे हमने कैसे बनाया था आपको मिल जाएगी, उसमें जाकर देख सकते हैं कि आप 4 इंच के पाइप में भी टावर गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि पहला लगाने के बाद हमने सोचा कि उसके अब पौधे बड़े हो गए तो ये दूसरा बना के लगाए ताकि पहला फल देना जब बंद कर दे तो दूसरे में चालू हो। इस तरह से हमेशा हमें टमाटर खाने को मिलते रहेंगे। इसको लगाने के बाद हमने ये तीसरा भी लगाया 1 महीने बाद, अभी 2 से 3 दिन पहले इसको हमने लगाया है तो इसकी ग्रोथ भी अब चालू हो गई है। तो टावर गमले के लिए मिट्टी अलग बनाया जाता है, उसको हमारे पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। और एक समस्या ये आती है टावर गमलों में कि टमाटर के प्लांट थोड़ा हैवी फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, अगर सही से केयर नहीं करेंगे, इनको सपोर्ट देने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये फल देने के बाद नीचे लटक जाएंगे और लटकने के बाद इनकी खुद की डाल ही टूट जाती है। तो टावर गमलों में समस्या यही आती है कि उनको सपोर्ट कैसे दें, उसमें गमला तो है नहीं कि कोई लंबा लकड़ी गाड़ के सपोर्ट दे दें। तो उसके लिए देखिए जुगाड़ बना लें, इस तरह से देखिए छोटा सा बिजली का वायर है, इसको यस शेप में मोड़ लें और एक शेप जो है ऊपर पाइप में डाल लें इस तरह से, और नीचे वाले हिस्से में आप अपने टमाटर के पौधे को रस्सी से बांध के और उसमें सपोर्ट दे सकते हैं। अब टमाटर और थोड़ा नीचे लटकने लगे तो उस वाले शेप में आप उसे और थोड़ा लपेट लेंगे तो और उठता जाएगा। तो इस तरह से आप यूज के हिसाब से उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे जब भी बांधिए टमाटर के पौधों में तो रस्सी आपका चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। रस्सी अगर हार्डली बांधे हैं तो टमाटर का पौधे का जो पौधा है वो ख़राब होता है। तो इसके लिए एकदम नॉर्मल कपड़े का रस्सी अगर मिल जाए तो ही बांधें, ताकि जहाँ पे बांधें वहाँ पे टमाटर के जो हमारे जो है प्लांट के जो है पौधे हैं वहाँ के कटे ना। इसलिए रस्सी जो है हमेशा स्मूथ इस्तेमाल करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप कपड़े का रस्सी अगर बनाते हैं तो कपड़े की रस्सी ज़्यादा सूटेबल होती है, पौधे को कोई उससे नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से आप ये जुगाड़ बना के भी अपने प्लांट को सपोर्ट दे सकते हैं टावर गमला अगर लगाए हैं, क्योंकि टावर गमलों में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे टमाटर का प्लांट जानते ही हैं कि बहुत ही हैवी फ्रूटिंग करते हैं, जब एक बार फल देना शुरू करते हैं इतना दे देते हैं कि अपने आप को ही अपने डालों को ही नीचे झुका के तोड़ डालते हैं। तो उनको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि जब ज़्यादा फ्रूटिंग करने लगेंगे तो उस समय बांधने पे काफ़ी पौधे को नुकसान पहुंचता है, तो पहले से ही उसे सपोर्ट देते रहें ताकि पौधा हमेशा ऊपर को जाए। हमारे यहाँ कई दिनों के बाद आज धूप निकला है तो सोचें कि कुछ गार्डन का काम कर लें, तो जिसका वीडियो बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जो चीज़ें हमने बताया कि फल गिर रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, उनको कन्वर्ट करने का जो हमने खाद बताया है, पोटेशियम युक्त खाद हमेशा चाहिए। अगर ऑर्गेनिक आप डालना ही चाहते हैं तो ऑर्गेनिक में केले के छिलके के खाद डाल सकते हैं, अब जो है सरसों खली डाल सकते हैं। वीडियो में इतना ही दोस्तों, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपना ध्यान रखें। सर्दियां बहुत हैं, पौधों को ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान रखना ना भूलें, क्योंकि अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपके पौधे भी स्वस्थ रहेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके एक लाइक के लिए हम इतने सर्दियों में भी सुबह सुबह जाके अपने गार्डन के बारे में बताते हैं, ताकि अगर कुछ जानकारी हमें है तो कुछ आपकी वीडियो देख के हम आपकी वीडियो से भी कुछ जानकारी लेते हैं। तो एक दूसरे को शेयर करते रहने से ही समझ में आएगा कि गार्डनिंग कैसे करनी है। तो वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, हैप्पी गार्डनिंग।